लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल लगातार अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। विपक्षी दलों के बड़े नेता बेंगलुरु में होने वाली बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। इस बैठक से पहले कई दलों ने अपने तेवर भी नरम कर लिए हैं। दिल्ली अध्यादेश को लेकर अब तक खामोश रहने वाली कांग्रेस ने जब संसद में इसका विरोध करने की बात कही तो पहले तो आम आदमी पार्टी बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद विपक्षी एकता को मजबूती देने के लिए ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के तेवर भी नरम पड़े हैं। कांग्रेस को लेकर अपने तल्ख तेवर रखने वाले अखिलेश यादव भी थोड़ा नरम रुख रखने लगे हैं। इसका कारण राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी को माना जा रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि कांग्रेस जिस राज्य में कमजोर है उस राज्य में उसे क्षेत्रीय दलों के लिए स्पेस रखना चाहिए, तो अखिलेश ने भी इसमें हामी भरी। इसका मतलब साफ है कि ममता और अखिलेश नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। सूत्रों की माने तो जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश में बिना कांग्रेस के चुनाव नहीं लड़ना चाहते। जयंत चौधरी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि अगर सपा कांग्रेस आरएलडी तथा अन्य दूसरी पार्टियों का गठबंधन होता है तो वह इस तरफ रहेंगे, अन्यथा उनके पास भाजपा की ओर से ऑफर अभी भी मौजूद है। ऐसे में जयंत का यह दबाव अखिलेश के लिए घंटी बजाने जैसा अपडेट है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव को हाल ही में गठबंधन को लेकर बड़ा झटका तब लगा जब ओम प्रकाश राजभर ने उनका साथ छोड़ दिया। इसके अलावा दारा सिंह चौहान ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अखिलेश यादव कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसीलिए अब वह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अच्छा स्पेस देने के लिए तैयार है। अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कितनी सीटें देते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।